यहीं पर पश्चिम से बनगांव से बनगांव के पश्चिम से आने वाले सभी यात्री यहाँ पर रुकते हैं, यहाँ पर यहीं से चढ़ते हैं और यहीं पर उतरते हैं। आप देख सकते हैं बहुत खाली खाली है, अभी मौसम थोड़ा ख़राब है, बारिश होने की संभावना ज़्यादा है, इस कारण से लोग अभी तक नहीं पहुँचे हैं, कम पहुँच गए हैं समीर का शॉप में। समीर भाई से थोड़ा दो चार बात पूछ रहे हैं। चल का समीर भाई कैसे? ठीक है, हाँ ठीक है। आज बाजार का दिन है तो बाजार का दिन है, थोड़ा सा पूरे बिजी रहते हैं। तो आज आप लोग बाजार घूम लीजिए, देख लीजिए बनगांव बाजार। हम मिलेंगे यहीं पर। क्या क्या काम होता है यहाँ पर? हमारा यहाँ ऑनलाइन से जितना भी काम होता है, जैसे किसी का ऑनलाइन फॉर्म भरना है, रेलवे टिकट करना है, हवाई टिकट करना है, पैसा निकासी जमा करना है, तो उस हम यहाँ पर काम करते हैं एक्स्ट्रा दिन में। आधार कार्ड बनता है कि नहीं बनता है? आधार कार्ड तो हम यहाँ डाउनलोड सिर्फ करते हैं। वोटर आईडी उसके लिए हम अप्लाई करते हैं। अच्छा ठीक। लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर आज अप्लाई किए और कल मिलेगा उसे नहीं होगा, उधर से फॉर्म के आएगा तब जाके मिलेगा। चलिए आज तो बाजार का दिन है और बहुत ही बिजी रहते हैं। हाँ ठीक। और अभी आप अकेले हैं? हाँ अकेले, थोड़ा देर में एक स्टाफ भी आने वाला है लेकिन अभी थोड़ा सा लेट से आ रहा है। अच्छा ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट बाद में, बाद का वीडियो में। तो चाईबसर रोड का ये चाईबसर रोड से पश्चिम की ओर ये इलाका पड़ता है, उसके बाद पूर्व की ओर भी है और पश्चिम की ओर भी। चाईबसर रोड के दोनों ओर ये बाज़ार लगता है। यहाँ आसपास नए नए दुकान खुल रहे हैं, देख सकते हैं। बाइक पूछ लेते हैं। हाँ ये कैसे? 350 रेट पता कर रहे हैं। लेना नहीं है अभी। आसपास बेल्ट का दुकान है। अभी तक भीड़ नहीं हुआ है। यहाँ से बोतल का दुकान है। जर्किन चिल्का 60 लीटर नहीं करा दो है? 10 टका देख सकते हैं आप लोग, इतना छोटा छोटा 10 और बड़ा मरंगतिया 20 टका, 2 लीटर वाला 20 रुपया। तो ये सब भी बिकते हैं यहाँ बनगांव बाजार में। बलरामपुर हम लोग पहुँच चुके हैं, हम दोनों पहुँच चुके हैं चाईबसर रोड। चाईबसर रोड के बाईं ओर और दाहिनी ओर दोनों ओर बाजार लगता है, आप लोग को बता चुके हैं। जैसे कि वीडियो में आप लोगों को बता दिए हैं कि यहाँ 10-20-30-40 किलोमीटर दूर दूर से लोग आते हैं और अपना बाजार करके चले जाते हैं। चिल्का कुली तेने तुम्हारे देख लो यार, मियर है तो 1000 में बिक रहा है यहाँ, कोई माप तौल नहीं है। चिल्का का चिल्का
का कुल इतना ले गोन उंगली कोड इतने सो बन रहे। तो आप देख सकते हैं ये इतने सारा लगभग 10 फुल का मीना का 15 को है, उसमें 300 रुपये में मिल रहा है बंदगा बाजार में। हैं कहाँ के सोपनार है? ओ तो खुट्टी में ये किलो में मिलते हैं 300 रुपया, 30 रुपये किलो, 30 रुपये किलो में मिलते हैं। अभी जाते हैं बंदगा बाजार के उत्तर की दक्षिण की ओर। काफी बड़ा बाजार है इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, डोंट माइंड। बंदगांव केला के लिए प्रसिद्ध है, तो पूछते हैं केला कैसे है। अभी हम लोग केला पूछने वाले हैं। चिल्का चिल्का ओ कितने में ली है? नहीं 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 चिल्के ऊपर ओ तो बिक गया है, रेट पता नहीं चल रहा है। तो आगे चलते हैं हम लोग। ओ पाया देखो तो इतना बड़ा बड़ा चिल्का चिल्का बड़ो का है ना 300 और सो बिना 300 400 मुनगा 1000 चिल्का ओके ओके आकर इतने कोई जवाब नहीं मिला। ला पूछते हैं कैसे किलो है। ला कैसे किलो कुसुम? 520 600 और बाहर बाहर तो दाढ़ी 500। तो गाइस अभी रेट थोड़ा गिर गया है मुझे लगता है। हम लोग बायर का लगभग 550 आसपास 60 आसपास बेचे थे, 530 नीचे नहीं गिरा था लेकिन अभी गिर चुका है। ये रेट पता नहीं कौन तय करता है, हम लोग को समझ में नहीं आता है। इमली पूछते हैं। ये रहा इमली कैसे किलो इमली 25। तो गाइस इमली 25 रुपये किलो है, कभी घटता है बढ़ता है ऐसा होते रहता है। ये बंदगा बाजार है, हम लोग बंदगा बाजार के जैम से रोड के आसपास ही देख रहे हैं, पूछ रहे हैं। महुआ महुआ पूछते हैं, महुआ बेच रहे हैं कि खरीद रहे हैं? कैसे किलो? 39। तो सबका दाम ऐसे गिरते बढ़ते रहता है। महुआ का दाम है 39 रुपया किलो, यहाँ बिक रहा है खरीद नहीं रहा है क्योंकि अभी खरीदने का समय नहीं है, अभी पक ही रहा है पेड़ पर। यहाँ आसपास लाख की बिक्री होती है। पानी आया था रात में तो देख सकते हैं कीचड़ हो गया है आसपास। हम लोग अभी चैबसर रोड के पूर्व में हैं, अभी आसपास देखते हैं। यहाँ आसपास भी ड्रॉपिंग होता है, दूर दूर से आने वाले लोग 20-30 किलोमीटर दूर से आते हैं, वो लोग भी यहाँ पर उतरते हैं गाड़ी से। और इसे पहले दिखे थे वो पश्चिम से आते हैं, उन लोग का कहेंगे स्टेशन है। हाँ कितना गड़ा को गाड़ी कुछ आता है? नया चलकद
अच्छा अंत तक तो ये खुट मधेपुरा बाजार से पूर्व से भी लोग यहाँ आते हैं और दक्षिण से भी लोग आते हैं। इस प्रकार से लोग निजी गाड़ी से लेकर कोई भी सवारी गाड़ी में आ जाते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर फोर्स और देख सकते हैं इस प्रकार पिकअप वैन सब दिखने को मिलेंगे, इसी से लोग आते हैं। और सबसे बड़ा बाजार बंदगा बाजार यहाँ पास का है। पूछ लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है गाड़ी को आते पाओ यहाँ पे बूढ़ी उली। तो गाय से लोग बूढ़ी उली से आते हैं, बहुत दूर है लगभग चिमन घंटा लगा होने तथे में थे। बूढ़ी उली से यहाँ आने में लगभग अढ़ाई घंटा लगता है जैसे कि आप लोग सुने। तो इतने दूर दूर से लोग आते, चिमन किलोमीटर होगा जो 60-70 किलोमीटर संगने थे कोई जो है मतलब आते हैं। तो बहुत ही बड़ा बाजार इस प्रकार से बन जाता है बंदगा बाजार। नहीं तो सही पे साथ में शुक्र कुलाए हैं, इसी में हम लोग भेजेंगे। तो गाइस हम लोग शुक्र के साथ पूरे घूम रहे हैं। हाँ अच्छा जोर तक उम्र थोड़ा को मैंने अपने तो शुक्र के साथ पूरा बाजार घूम रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। आदमी लोग हम लोग को उल्लू समझ रहे हैं, तो हम लोग उल्लू नहीं है, हो भी सकते हैं जो भी है, लेकिन हम लोग वीडियो बना रहे हैं। हाँ नहीं आको इधर डांस ही कोड़ को देख सकते हैं। ये अलग रोड है, ये कौन रोड है, कुचांग रोड। कुचांग तरह से भी लोग व्यापारी लोग और भी विभिन्न प्रकार के लोग बाजार करने आए हैं। और इस प्रकार से देख सकते हैं किस प्रकार गाड़ी में भेड़ बकरी की तरह घुस के किसी प्रकार से लोग पहुंच जाते हैं। बारा मतलब आने जाने की सुविधा नहीं है। देखो यहाँ पर उतर रहे हैं यात्रीगण। चिकन रोड, ये कोचांग रोड होगा। थोड़ा देर में बाजार भीड़ हो जाएगा। कोचांग रोड होगा नहीं, कोचांग रोड है। भाई थोड़ा बात करते हैं, ये कौन सा रोड है? कोचांग रोड है, तो देख सकते हैं बंदगांव से कोचांग उसके बाद तमाण इसी रोड में है। तो ये रोड के अलावा उधर भी बाई तरफ है ऊंचाई पे से रोड है, आगे एक चौक मिलेगा और सबसे बड़ा बाजार। हम लोगों को त्योहार की तरह लगता है ये बाजार। मूढ़ी बहुत फेमस है, पूछ लेते हैं कैसे दे रहे हैं मूढ़ी। 10 में दे रहे हैं अब। हाँ वीडियो में देख सकते हैं 10 रुपये। घर में बनाते हैं कि खरीद के बेचते हैं? अच्छा तो ये खुद की फैक्ट्री है, तो आप लोग भी आ सकते हैं और थोक में ले सकते हैं 1-2 हज़ार का। तो ये है बंदगा बाजार, ये पड़ता है अभी जो भी बात की है ये अभी तक हम लोग रोड में हैं कुचांग रोड। हाँ देखो अच्छा ये चप्पल दुकान वाला अपना भाई लोग जैसे लगता है, देख सकते हैं नाना प्रकार का चप्पल है खुद तो बना चप्पल कॉपे के भाई ये चिपिक करेंगे हुई है। हाँ हाँ तो ये लोग थोक में लाते हैं। कोदा तो पहुँच दे रांची हाथों तो कोता तो बंदगांव बेदा को टोका 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 तो कहा
तो कहा कीजिए कहा बेटा हाँ आई कहा लिया बूढ़ी लगता ओली तो कहा गए ओली बूढ़ी ओली कहा गए तो उतना दूर दूर से लोग यहाँ पर बाजार करने आते हैं, देख सकते हैं चप्पल का दुकान है। ये मुंडा भाई लोग है, आप लोग भी सहयोग कीजिएगा और आइए और खरीदिए यहाँ आसपास से भी। तो ये बंदगा बाजार कुचांग रोड में चौक से 30 मीटर दूर में ये है चप्पल दुकान। रेडियो टेप और क्या क्या टॉर्च वॉर्च सब यहीं पर मिलेगा, हम लोग आ सकते हैं bandegaon bazaar.com। बंदगा बाजार केला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये थोड़ा बहुत गीला हो चुका है। मेरा एक फटल पैसे है, उसको हम लोग एक्सचेंज करते हैं। अभी फेंक दिया, हाँ कल बोल देना 7000 खाली रहेगा तुम्हारे बाप को। देख सकते हैं इसका कितना दाम मिलेगा, मुझे इसका ABCD नहीं आता है। देख सकते हैं इसको हम लोग बेचेंगे कितना मिलेगा। 25 मिलता है, 30 मिल जाएगा। 30 कितना परसेंट मिलेगा? 40 मिलना चाहिए इसमें तो। ये जलावन चलता, जला तो नहीं है लेकिन कुछ केमिकल लग गया था। साफ सुथरा फटा रहने से ना कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग को मिल जाता है इस प्रकार से 30 रुपये। जो भी है अच्छा है। कपड़े की दुकान है, सदियों से लग रहा है यहाँ पर। बीज का दुकान यहीं पर मिलेगा, कहीं भी सरोडा और कुचांग रोड के समागम स्थान पर है, मिला जुला है। यहाँ से चला जाता है कुचांग और चला जाता है कहीं भी सरोड।